didn't even get to cross. So what's up everybody, I am CRS. So guys, today we are going to push 5000 trophies. Yes guys, आज हम 5000 ट्रॉफीज टच करने वाले हैं इस डेक के साथ, जाइंट नाइटविच मिनियंस पॉन डेक। सो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने बताया ये 5 डेक जो बहुत ही सही डेक्स हैं। तो आप मेरी दूसरी वीडियो को भी देखिए जिसमें मैंने बताया इसको कैसे यूज़ करना है। तो अभी चलते हैं हम पुश करने पे, और गाइस गिव अवे की इन्फॉर्मेशन वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और चलते हैं अपने पहले अटैक पे। पहले मेरे पे एक मैजिकल चेस्ट था, हम उसे खोल लेते हैं। सो गाइस चलिए खोल लेते हैं अपना मैजिकल चेस्ट, और उससे पहले शॉप में देख लेते हैं क्या है। गोल्डन चेस्ट पड़ा है, खोल लेते हैं। चलिए सो ऐसा कुछ ज़्यादा बढ़िया तो मिला नहीं। चलिए मैजिकल चेस्ट में देखते हैं क्या हमें लेजेंडरी कार्ड मिलता है कि नहीं। तो चलिए लेट्स ओपन दिस। जैप, मिनियंस, स्केलेटन्स, मुझे नहीं लगता मिलेगा क्योंकि बहुत सारे कॉमन आ गए गाइस स्टार्टिंग में। नहीं, हमें नहीं मिलने वाला लेजेंडरी, नहीं मिला। 7 गोलम, यप, बट 7 गोलम मिले। 7 गोलम्स इज ऑल्सो ग्रेट, सो लेट्स सी। लेट्स मी, हमारा पहला मैच है जो हम खेल रहे हैं उसी डेक के साथ। तो यहाँ पे मैं पीछे से नाइट विच रखता हूँ ताकि मैं एक बड़ा पुश कर सकूँ। मैंने यहाँ पे नाइट विच रख दी, अभी तक मुझे पता नहीं उस पर कौन सी स्पेल्स हैं। तो अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। उसने स्केलेटन ड्रैगन छोड़े, इसका मतलब फायरबॉल की वैल्यू है, और हमें वैल्यू मिल गई 4 for 4, दैट्स इक्वल। और उसको इलेक्ट्रो विज़र्ड रखना पड़ा, इलेक्ट्रो विज़र्ड ने मेरी नाइट विच को ब्रेक कर दिया पूरी तरीके से। तो अब मैं सोच रहा था कैसे डिफेंड करूं, और मैंने मिनियंस छोड़े जिसने बहुत सही डिफेंड किया, और सब ने इसने पुश किया, पूरे पुश को रोका सिर्फ मिनियंस ने। और मिनियंस अभी भी अलाइव हैं और एक शॉट शायद कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे। सब ठीक चल रहा है अभी तक। अब मैंने सोच लिया था मैं जाइंट और नाइटविच जो ताकत है इस पुश में वो यूज़ करूँगा, और वही मैंने करा और उसका मुझे फ़ायदा भी मिला, आप देखिएगा। तो मैं जाइंट को थोड़ा आगे इसलिए रखा क्योंकि नाइटविच पे अगर मेगा नाइट या कुछ आता है तो नाइटविच कहीं ब्रेक ना हो जाए, बिल्कुल टूट ना जाए पहले ही, इसलिए। और मुझे यहाँ पे लॉक की भी अच्छी खासी वैल्यू मिल गई, इलेक्ट्रो विज़र्ड पे भी डैमेज लगा। यहाँ पे मेरा जाइंट तो मर गया लेकिन नाइटविच अलाइव थी, और उसने अपना नाइट छोड़ के मेरी बैट्स को रोका, नहीं तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता उसके टार पे। और उसने यहाँ पे गॉब्लिन बैर रखा और मेरे पे जैप, मैंने गलत स्पॉन कर दी, लेकिन वहाँ पे मिनियंस लड़ी बहुत, और उसको फायर बॉल वेस्ट करनी पड़ी उस तरफ, जो कि एक नेगेटिव ट्रेड हुई उसके लिए। और अब वो मेरे से एलेक्सर में पीछे है, और यहाँ डबल एलेक्सर होने वाला है, इसका मतलब हम इस मैच में डोमिनेट करने वाले हैं। और यहाँ पे डबल एलेक्सर हो गया, मैं पीछे राइट विच रखूँगा, और अब हम मिनियंस को भी डालेंगे जाइंट के सपोर्ट में। यहाँ पे हमने जाइंट रखा, और यहाँ पे उसकी फायर बॉल में भी गड़बड़ हुई, आप देखिएगा। यहाँ पे मिनियंस मिनियन होल्ड बहुत सही काम कर रही थी, मैंने यहाँ उसकी मस्किटी को टेक डाउन करने के लिए लॉक छोड़ा, लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं। लेकिन मेरे जाइंट और माइनर ने बहुत सही डैमेज निकाल के दिया, और मिनियंस अभी भी अलाइव हैं, उसके आइटन ड्रैगन्स को ले जा रहे हैं बिल्कुल। और अब मुझे यहाँ पे कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसने अपना इलेक्ट्रो विज़र्ड छोड़ा, तो मैंने यहाँ पे अपनी छोड़ी और मेन होट से इसके पूरे इलेक्ट्रो ड्रैगन को घेर के एक शॉट में ही मार दिया। और अब हम हमारा पुश कर चुके हैं जो कि इस मैच का लास्ट पुश बना, और ये मैच हम इसी पुश के साथ जीत गए, क्योंकि यहाँ पे जाइंट पे उसने फायरबॉल करी लेकिन जाइंट को कुछ हुआ नहीं, और माइनर ने सपोर्ट देकर टार दिलवा दिया, और हम ये मैच ईजली जीत गए। सो दिस वॉज माई फर्स्ट मैच, सो लेट्स मूव इनटू द सेकंड मैच। दिस इज़ माई सेकंड मैच, और गाइस हम 3 मैच लगातार जीत गए,
और उसी के साथ हम 5000 पे आए। तो ये मेरा सेकंड मैच, मैं सेम डेक यूज़ कर रहा हूँ, उस पर गॉबलिन बैर और मेरे पे लॉग बहुत ही सही मुझे लगी स्टार्टिंग तो अपने मैच की। उसने हॉग रखा, अब मैंने माइनर छोड़ दिया था जब तक, तो मुझे मेन होल्ड ही रखनी पड़ी, नहीं तो हॉग को कभी भी नेगलेक्ट मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत डैमेज देता है बहुत। मेरे पे कुछ खास था नहीं तो मैंने सोचा जैप ही कर दें, क्योंकि फायर बॉल वेस्ट करने का मतलब बनता नहीं था, और मुझे लगा फायर क्रैकर चली जाएगी बिना शॉट लिए, लेकिन फायर क्रैकर एक शॉट कनेक्ट कर गई टायर पे, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने मैच पे फोकस किया। और अब मैं पीछे से वही नाइट विच एंड जाइंट वाला पुश करूँगा। उसने भी नाइट विच रखी, मुझे लगा फायर बॉल कर दूँ, लेकिन फिर मैं सोचा अभी रुकते हैं अगर वो कुछ और छोड़ता है, और यहाँ पे उसकी फायर बॉल वेस्ट हो गई, तो मैंने सोचा मैं भी कर ही देता हूँ फायर बॉल। जाइंट ने टार पे 2 शॉट्स कनेक्ट किए, तो अब मुझे लगा कि यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, मेरे पे कुछ नहीं है, और ऐसा ही हुआ। मेगा नाइट ने बहुत डैमेज दिया टार पे, लेकिन हमने उसको मैनेज कर लिया बाद तक, लेकिन क्योंकि मिनियंस अकेले बहुत सही काम निकाल के दिया, उनने पूरा मेगा नाइट लिया और नाइट विच को हमने जैप से निकाल लिया। तो यहाँ पे अभी भी मेरे पे लॉग रोटेशन में था, 1 मिनियन कनेक्ट कर गया टायर पे, यहाँ पे इक्वल तो था लेकिन उसने थोड़ा ज़्यादा डैमेज दे दिया था, और अब वो एग्रेसिव खेल रहा है। एग्रेसिव गाइस, एग्रेसिव खेलना ज़रूरी होता है कभी कभी, लेकिन हद से ज़्यादा एग्रेशन गेम में दिखाना भी गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, तो नहीं करना चाहिए, करिए लेकिन ज़्यादा मत कीजिए, बस यही कहना था मुझे। तो यहाँ पे उसका पुश था नाइट विच और पैका, मिनी पैका, तो मैंने मिनियन से रोक लिया इजीली, कोई दिक्कत नहीं हुई ऐसी कोई मुझे, लेकिन उसने मेरे टायर पे बहुत डैमेज दे दिया है, सिर्फ 373। अब मुझे लगा कुछ मतलब नहीं बनता, तो लॉग अब 83% डैमेज, मुझे लगा उस पर फायर बॉल है, हॉग है, वो निकाल लेगा, लेकिन मुझे पता था कि ये पुश बहुत तगड़ा है। उसने हॉग बिल्कुल टॉप से छोड़ के पता नहीं क्यों छोड़ा, क्योंकि अब मैं शुरू करने वाला हूँ अपना हॉट पुश, और यहाँ पे मेरा मिनियन का हॉट बच गया, पूरी मिनियन हॉट बच गई जिंदा, जो उसके लिए गड़बड़ लाएगी। और ये देखिए कितने सारे मिनियंस हैं, और मिनियंस और बैट्स ने ही हॉक को ख़त्म कर दिया, मैंने हॉक कनेक्ट ना करे इसलिए मैंने नाइट विच भी छोड़ दी। और ये देखिए ईजली हम अपना टाले जा चुके हैं, मुझे लगा उस पर फायर बॉल है, लेकिन उस पर फायर बॉल पता नहीं क्या सोच के वहाँ डाली। अब सिर्फ 5 सेकंड बजे से मेरे पे लॉग रोटेशन में था, तो गॉबलिन बैर की चिंता नहीं थी, लेकिन मुझे छोड़ना ही नहीं पड़ा, क्योंकि टाइम इशू की वजह से हम ये मैच जीत गए। इसलिए गाइस ये डेक बहुत सही है, डबल एग्जर में एक पुश कीजिए मैच आपका 110% मैच आपका। पूरी मैंने डिटेल अपनी प्रीवियस वीडियो में दी है क्लैश रॉयल की, तो जाइए सबसे पहले उसे देखिए, और चलते हैं अपने तीसरे मैच पे। ये है वो मैच जिसको हमने जीत के 5000 ट्रॉफीज टच की, और मैं इसमें वो वाली नहीं यूज़ कर रहा, मैं इसमें डेक यूज़ कर रहा हूँ जाइंट स्पार्की वाली। तो गाइस उसने एग्रेसिव खेला मेरी तरह, तो मुझे भी एग्रेसिव खेला, लेकिन वो अब आप देखिएगा मैंने क्यों कहा था पिछली मैच में कि ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं, क्योंकि देखिए डार्क प्रिंस आ रहा है, उसने स्केलेटन आर्मी लॉग 2 चीज़ें वेस्ट कर दी, 5 एलेक्सर ऑन 4, और उसने आप मिनियन होल्ड रख के सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मेरे पे इलेक्ट्रो विज़र्ड था, हमने अपने इलेक्ट्रो विज़र्ड को खो दिया, लेकिन मेरी अभी तक स्पार्की अलाइव है, और अब हम मेगा मिनियन और स्पार्की का पुश कर सकते हैं। अब उसे लगा नहीं ठीक कि वो कुछ छोड़े, तो उसने कुछ छोड़ा नहीं, और हमारी स्पार्की टार पे कनेक्ट कर गई, और मेगा मिनियन ने टार निकाल लिया। तो ये तो हम ये साइड इजीली ले गया, मुझे लगा वेट करने का मतलब नहीं बनता, इससे पहले वो राइट साइड में पुश करें मैं लेफ़्ट साइड में पुश कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना बड़ा पुश रख दिया जाइंट, और पीछे से डार्क प्रिंस और मिनी पैका, और ये बहुत सही काम करके दिया गाइस इस पुश ने, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में जितनी सारी कार्ड्स छोड़ दिए इससे उसको दिक्कत हो गई गाइस। और ये देखिए ये 3 पुश ने ईजली उसका टायर निकाल दिया, उसने गिव अप कर दिया उसी वक्त जब उसने मिनियन होट छोड़ी, और मैंने इलेक्ट्रो विज़र्ड से उसकी मिनियन होट को तोड़ दिया, उसी वक्त उसने गिव अप कर दिया, और हम ये मैच जीत गए ईजली। तो गाइज ये मैच तो हम जीत गए, और अब बारी है 5000 पे तो हम आ गए, अब बारी है गाइज
गिव अवे की अनाउंसमेंट मार में, और क्या गिव अवे है इस बारे में तो चलिए जान लीजिए, और आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है ये भी जान लीजिए। सो गाइज हम आ चुके हैं 5000 पे, सो देख लेते हैं 5000 पे आ गए हम, ये हम 5000 पहुंच गए, बहुत बढ़िया गाइज। ये तो हो गई बात 5000 आने की, और अब बारी है गाइज गिव अवे की। गाइज इस गिव अवे में मैं पास रॉयल का गिव अवे करने वाला हूँ, क्योंकि ये 3 दिन में स्टार्ट होने वाला है, इन 3 डेज गाइज पास रॉयल का गिव अवे है। और अगर आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये है सबसे पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट, आपको सिर्फ कमेंट में कुछ भी लिख दीजिए, जो आपको अच्छा लगता हो आप वो लिख दीजिए कमेंट में। और गाइस इस गिव अवे में एक विनर नहीं, दो विनर नहीं, बल्कि 3 विनर होने वाले हैं। 3 पास रॉयल मैं दूंगा 3 अपने सब्सक्राइबर को, तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में कुछ भी लिख दीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। और गाइस इसमें भी एक रिक्वायरमेंट है, मैं 1 पास रॉयल तो दूंगा ही दूंगा 3 दिन बाद, लेकिन अगर हमारे 8 सितंबर तक 500 सब्सक्राइबर्स हो गए, गाइस सुन लीजिए, अगर हमारे 8 सितंबर तक, आज 4th है, अगर हमारे 8 सितंबर तक 500 सब्सक्राइबर्स हो गए तो मैं पूरे के पूरे 3 पास रॉयल का गिव अवे करूँगा। और गाइस अगर हम 500 से आगे निकल गए तो 3 से मैं 4 कर दूँगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हम ग्रोथ करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो मैं आप लोगों को पास रॉयल, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, वो भी 4 पास रॉयल दूंगा। हाँ गाइस 3 को छोड़िए, अब मैं 4 पास रॉयल आपको दूंगा, सिर्फ आपको 8 सितंबर से पहले चैनल पे हमारे 500 सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हो जाएं चाहिए, या फिर 500 भी हो जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गाइस आपको चैनल पर सब्सक्राइब करने की कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर नहीं है तो। और अगर अपने दोस्तों को लिंक शेयर कीजिए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करें, हमें बस 500 सब्सक्राइब पहुंचना है, उसके बाद 4 पास रॉयल के विनर्स होंगे गाइस। जी हाँ, 4 पास रॉयल के विनर। सो गाइस ये थी गिव अवे की इन्फॉर्मेशन, 8 सितंबर गाइस डेट याद रखिएगा, 500 प्लस सब्सक्राइबर। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय।